हाय फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताऊंगा कि आप मेरे थ्रू कैसे आप एक्सएनएस के अकाउंट ओपन करवा पाएंगे। और ये जितने भी कॉपी ट्रेड्स होता है, कि जैसे मैंने भी जितने भी ट्रेड किया हुआ है, वो सारे आप कैसे अपने अकाउंट में कॉपी कर पाएंगे, चाहे आपको ट्रेडिंग पता हो या ना हो, आप ट्रेडिंग से कैसे पैसा कमाएंगे वो आज आपको मैं बताऊंगा। और वैसे ये सिंपली ऐसा होता है कि मैं जो भी कॉपी ट्रेडिंग करूंगा, वो सारे ट्रेड को आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में कॉपी करना है। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपको एक्सएनएस करके एक पोर्टल है, जो कि एक सर्विस प्रोवाइडर है, और वो ट्रेडिंग पोर्टल है। उसमें से आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है, और उसमें से जो भी मैं कॉपी ट्रेडिंग करता हूँ उसको आपको कॉपी करना पड़ेगा। तो पहले चलिए देखते हैं कि हम आज कैसे एक्सएनएस में अकाउंट आप क्रिएट करेंगे। तो वो अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको मैं बताऊंगा कि हम कैसे इसको बाद में ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। तो पहले जैसे मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है, ये मेरा एक एफिलिएशन लिंक है, आप इसके थ्रू से आप जाएंगे। आप इधर क्रोम का, पहले आप क्रोम में लॉग इन करने के बाद आपका हिस्ट्री क्लियर कर लीजिए, या फिर आप इनकॉग्निटो मोड में चले जाइए, बेस्ट इनकॉग्निटो मोड में जाइए और वो लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे आप एंटर करिए। जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे, एक्सएनएस का एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो शायद यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, ये आपको पूरा फुल पेज दिखना चाहिए, फिर से मैं कर लेता हूँ। तो अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सपोज मानते हैं कि आप यहाँ पे होने के बाद आपको यहाँ पे इसका बैकग्राउंड दिखेगा, कुछ नेटवर्क का इश्यूज दिख रहा है, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। आप इसमें अकाउंट करिए, फिर चलो लेट ट्राई करते हैं, यहाँ पे भी मैं ट्राई कर लेता हूँ। ये हो गया आपका एक्सएनएस का पोर्टल। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको ओपन अकाउंट में क्लिक करना है। यहाँ पे आप ओपन अकाउंट क्लिक करने के बाद बस आपको इसमें दो या तीन चीज आपको पूछेगा, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर क्या है क्या नहीं है, आपका कंट्री, पहले आपको रीजन डालना इंडिया, उसके बाद आपका ईमेल आईडी, इसमें पासवर्ड डाल देना है, ये पासवर्ड का क्राइटेरिया है, और इसमें आपको डिक्लेरेशन देना कि आई एम नॉट ए सिटीजन ऑफ यूएस। देन इसके बाद हमें कंटिन्यू करना है। चलो मैं इसका पासवर्ड सेव करके रख लेता हूँ। अब यहाँ पे हमें देखना है कि डेमो अकाउंट में जाना है या फिर रियल अकाउंट में। ये आपका अकाउंट अभी क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि क्या करना है। पहले हम क्लिक करना पड़ेगा, अगर डेमो अकाउंट है तो प्रॉब्लम क्वेश्चन है, इसमें आपको नॉर्मल डेमो ट्रेडिंग होता है। अब ये आपका रियल अकाउंट में क्लिक करना आता है। रियल अकाउंट में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा डिपॉजिट करने के लिए। तो डिपॉजिट करने से पहले आपको, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ऑप्शन है यहाँ पे बिकम ए रियल ट्रेडर। तो पहले आप, ये आपका सारे डिपॉजिट का प्रोसेस है, आप कौन से बैंक अकाउंट से भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं, ये सारे पेमेंट का ऑप्शन है, ऑनलाइन बैंकिंग से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट पॉस मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, या फिर आप बैंक कार्ड में करिए या फिर ऑनलाइन बैंकिंग में करिए। अगर आपके पास पहले से स्क्रिल का है अकाउंट है ये, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। तो बेस्ट वो है, ये तीन ऑप्शन, स्क्रील, ऑनलाइन बैंकिंग एंड आपका बैंक कार्ड। सो उससे पहले आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा। जैसे आप पहले बिकम रियल ट्रेडर में क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका कुछ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए बोलेंगे, कि पहले आपका यहाँ पे एक वेरीफाई ईमेल आईडी है, सेंड इसमें कर देंगे, सेंड मी एक कोड करेंगे जैसे आपका, तो वहां पे मेल में आपको आ जाएगा। अब जैसे कि इसमें मेरा मेल आ गया, चलो मैं मेल पे भी ओपन कर लेता हूँ, मेरा एक सेकेंडरी मेल है तो वहां पे भी दिख जाएगा कि क्या हम क्या है। तो अब जैसे यहाँ पे एक्सएनएस का वेरिफिकेशन कोड आ गया है, मैं ये कोड को कॉपी करूंगा और यहाँ पे आके एरिया में एंटर कर दूंगा, यहाँ पे डाल के इसको मैं वेरीफाई कर दूंगा।
तो यहाँ पे मुझे एक आ जाएगा मेरा मोबाइल नंबर, चलो कुछ भी एक मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ, मेरा कोई सेकेंडरी नंबर है। हाँ मेरा सेकेंडरी मोबाइल नंबर है, चलो उसमें मैं एसएमएस में डाल दूंगा, क्योंकि ये मोबाइल नंबर इसलिए आपको इम्पोर्टेंस होता है कि आप इन फ्यूचर में कभी भी आप पेमेंट विड्रॉ करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे, आपका एक सेकेंड इसमें आपका वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो वर्किंग होना चाहिए, जिससे कि आपका एसएमएस कभी भी आ सके। तो अभी इसमें मैं देख लेता हूँ मेरे मोबाइल में मैसेज आया क्या। यस, मेरे मोबाइल में मैसेज आ गया है, तो मैं एक बार इसको ओटीपी एंटर कर देता हूँ। अब जैसे मैं इसको कंटिन्यू कर लूंगा तो मेरा ये हो गया, मैं अपना नाम डाल दूंगा इसमें, डाल दूंगा इसमें, मैं कर देता हूँ इसमें डेट ऑफ बर्थ फॉर द टाइमिंग, मैं यहाँ पर दिखाना नहीं चाहता हूँ इसलिए कुछ नहीं करूंगा। इसमें डाल के मैं काम कर देता हूँ कि कोई एक रेंडम डेट में डाल देता हूँ। चले जैसे कि मैं रेंडमली इसको कर देता हूँ, कोई बेस्ट होगा ऐसे कि कोई क्या डेट डालें, चलो 78 तो बहुत हो जाएगा यार, 87 डालते हैं इसमें। चलो जैसे मैंने ये रेंडम डाल दिया, मैंने इसमें डाल दिया अपना कुछ एक एड्रेस डाल दिया मैंने फॉर द टाइमिंग, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कि जैसे ओडिशा का है, मैं लिख देता हूँ ओडिशा करके लिख देता हूँ, ब्रह्मपुर कर एक टाउन डाल देता है। मैंने ऐसे डाल दिया, चलो इसमें ऐसे ये आप अपना पूरा डिटेल डाल दीजिए जो कि बेटर होगा, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। ये हो गया अपना, फिक्स हो गया। अब इसमें आता है कंप्लीट वेरिफिकेशन। अब ये कंप्लीट वेरिफिकेशन में क्या करना है, ये आपको करना जरूरी होता है जब आपको पूरा डिटेल चाहिए होता है ये वेरीफाई करना। तो इसमें हम अभी तो जैसे देखो, ये करने से पहले हम इसमें 2000 यूएसडी तक डाल के ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन हमें ये करना जरूरी होता है, नहीं तो विड्रॉ करने के टाइम में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो पहले इसमें हम कंप्लीट करेंगे, पहले वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको पहले प्रोफाइल वेरिफिकेशन के लिए आपको दो या तीन चीज पूछेगा। पहले आपको इसमें सेलेक्ट कर दीजिए कि एम्प्लॉयड डाल दीजिए या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका ट्रेडिंग डाल दीजिए ये वाला, तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए आप डाल दीजिए। फिर आपका कर दीजिए एनुअल इनकम लेस देन 2 लाख डॉलर कर दीजिए, फिर वेल्थ मोर देन कर दीजिए ये, एंड ये आपका है सोर्स ऑफ इनकम, ये आप कर दीजिए सेविंग का, ठीक है। फिर इसके बाद करना कंटिन्यू। कंटिन्यू होने के बाद आपको पूछेगा दो चीज, आपको देखना पड़ेगा एक आइडेंटिटी प्रूफ, ओके सॉरी इसमें डाल देंगे हम कुछ तो अकाउंटिंग का डाल देते हैं, मार्केटिंग डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें चलना है आगे, कंटिन्यू करेंगे। जैसे इसमें आप देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पूछ रहा है, मेरा नाम जो है यहाँ पे ऐसे रहेगा, इसमें अपलोड डॉक्यूमेंट होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको दो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ेगा, एक है आपका आइडेंटिटी प्रूफ और एक होगा आपका एड्रेस प्रूफ। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट कुछ अपलोड हो जाएगा, बाद में आपका वेरीफाई करने के लिए आगे कंटिन्यू होगा। जैसे मैं यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, चलो मैं यार कर ही लेता हूँ। जैसे इंडिया हो गया, यहाँ पे आप देखो क्या मांग रहा है, यहाँ पे सारे डिटेल आपका मांग रहा है, आधार कार्ड वोटर आईडी सब कुछ मांग रहा है, पेन नंबर जो जो भी आप मांगना है मांग उसमें अपलोड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें हमेशा आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा फुल में मेंशन होना चाहिए, आपका नेम फोटो एंड डेट ऑफ बर्थ फुल होना चाहिए, और आप हमेशा दोनों बैक साइड एंड फ्रंट साइड आपको अपलोड करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, टेक एड डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, चलो यार इसमें मैं कर ही लेता हूँ। कुछ तो था यहाँ पे मेरा, जैसे मैंने इसको अपलोड कर लिया, ओपन कर लिया, हो गया। फिर अपलोड कर लेते हैं, सॉरी बैक करो, फिर एक बार हो गया, फिर सॉरी
सबमिट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, अभी यहाँ पे हो गया, इसको सबमिट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आता है आपका रेसिडेंस प्रूफ के लिए, यहाँ पे आपका रेसिडेंस प्रूफ अपलोड करना है, सो यहाँ पे करना है अपलोड, यहाँ पे आप चले जाइए, आपका कोई बैंक स्टेटमेंट होगा, सो रिसेंटली मेरे पास ये बैंक स्टेटमेंट है, सो बैंक स्टेटमेंट आपको अपलोड कर देना है। बैंक स्टेटमेंट इन द सेंस कि चाहे आपका एक दिन का भी हो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रिसेंटली विद इन 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट होना है, और इसको करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। जैसे आपको ये सबमिट हो जाएगा, ये विद इन 24 आवर दिख रहा है, लेकिन जैसे क्या होगा आपका, अब देखो डिपॉजिट में मैं क्लिक करूंगा तो एक बैनर में आ जाएगा आपका कि यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इज बीइंग वेरीफाइड, और ये आपका हो जाता है विद इन आधा घंटा एक घंटे के अंदर वेरीफाई हो जाता है। जैसे आपका ये ओपन होगा, अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा, आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन प्रोसेस हो जाएगा, आप मुझे एक बार कॉन्टेक्ट करिए, मैं आपको बता दूंगा। अब इसमें देखना है कि हमें अकाउंट कहाँ पे क्रिएट करना होता है। अब हमें अकाउंट यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे दो चीज दिखेगा, एक रियल करके MT5 दिख रहा है और एक दिखेगा MT4 करके। जैसे सपोज मानता है हम यहाँ पे ओपन न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे, ये पेज में आने के बाद हम वेरीफाई यहाँ पे करा देंगे, वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे ओपन न्यू अकाउंट करेंगे। अब यहाँ पे हमें करना है स्टैंडर्ड ओपन रियल अकाउंट, ठीक है, स्टैंडर्ड ओपन रियल अकाउंट में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे MT4 में सिलेक्ट कर लेना है, और रियल यहाँ पे दो चीज देखना है, रियल एंड MT4, और ये पूरा स्टैंडर्ड होना, इसमें आप पासवर्ड डाल दीजिए। ये आपका अकाउंट प्रिपेयर हो जा रहा है, और आपको देखो यहाँ पे आ गया आपका अकाउंट प्रिपेयर हो गया। अब ये आपका अकाउंट नंबर है, और यहाँ पे आपका जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें तो वैसे कुछ है नहीं, मुझे ट्रेड करने के टाइम में आपका यहाँ पे आपका पूरा ट्रेडिंग का लॉगिन डिटेल हो गया। ये आपका डिटेल चाहिए होता है हमेशा MT4 प्लेटफॉर्म में लॉगिन करने के लिए, और डिपॉजिट करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करना है, आपको जितना भी अमाउंट डिपॉजिट करना है, डिपॉजिट का प्रोसेस दिख जाएगा, नेट लेट दिख जाएगा, स्क्रीन दिख जाएगा। फिर जैसे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है तो आपका बैंक कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि सबसे इजीएस्ट मेथड होता है पेमेंट डिपॉजिट करने के लिए, ठीक है। तो ये इसके बाद मैं आ जाता हूँ कि जैसे आपका पेमेंट कब हो जाएगा, जब हम ट्रेड करेंगे आपका बेनिफिट आ जाएगा, तब जाके इसमें विड्रॉल का होता है। विड्रॉल पे भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कैसे कैसे आप विड्रॉल ले सकते हैं। सो ये अकाउंट वेरिफिकेशन होने के बाद बैंक ये दोनों हो जाएगा, इसमें आप इजिली पेमेंट ले सकते हैं, ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर एंड ऑनलाइन बैंक टू का, ऑफलाइन बैंक वो आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेस्ट प्रोसेस है। तो चलो पहले हम ये एक बार वेरीफाई होने तक वेट करेंगे, वेरीफाई होने के बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट फेज यहाँ पे मैंने दो चीज आपका कंप्लीट किया कि आप कैसे अकाउंट ओपन करेंगे, और पूरा डिटेल आपको बता दिया। ये होने के बाद हम उसके बाद जाएंगे कि कैसे आप मेरे ट्रेड को कॉपी कर पाएंगे। अब यहाँ पे जैसे आपको बताता हूँ मैं, आपका जैसे ट्रेड अगर मैं चलता हूँ, आपको अगर पता नहीं है कि मैं ये देखो टर्मिनल में यहाँ पे मेरा आ गया अभी, सो मेरा टर्मिनल में यहाँ पे आपको आ गया ट्रेडिंग करने के लिए। जैसे कि मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकता हूँ, मेरा रियल अकाउंट में चलो मैं इसको मैं यहाँ पे तो है नहीं कुछ भी, मैं डेमो में क्लिक कर लेता हूँ। अब मेरा ये डेमो अकाउंट चल रहा है, डेमो में ये कुछ भी बैलेंस है, इसमें मैं एक काम कर लेता हूँ कि आज का तो मार्केट बंद है, मैं इसमें चलो एक काम कर लेते हैं कि क्रिप्टो में देख लेंगे, क्रिप्टो में थोड़ा मार्केट चलता रहेगा, तो क्रिप्टो में जैसे कि मैंने ये वाला ओपन कर लेता हूँ, कोई क्रिप्टो अभी मार्केट चल रहा है कि देखना है, क्रिप्टो में भी मार्केट अभी शायद बंद है, नहीं चल तो रहा है, बट क्रिप्टो में देख लेता हूँ, बिटकॉइन BTC BTC देख लेते हैं। अब देखो मेरा मार्केट यहाँ पे चल रहा है, तो मार्केट चल रहा है तो अभी इसमें मैं ट्रेड लगा सकता हूँ, अगर मैं ट्रेड डाल सकता हूँ तो यहाँ पे मुझे लॉट हो गया, कितना प्रॉफिट क्या है मुझे देखना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे जितना दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा रिवर्स ही जाएगा, तो मैं इसलिए इसमें बाइंग का ट्रेड डालूंगा। अब जैसे कि मैंने ओपन ट्रेड ओपन कर लिया, ठीक है, मैं ट्रेड ओपन हो गया, तो मेरा हिस्ट्री देखो, अब यहाँ पे
अब जैसे कि मेरा इसमें 11 सेंट का चल रहा है नेगेटिव में, क्योंकि ये आपका स्टैंडर्ड अकाउंट है तो थोड़ा इसमें आपको प्रॉफिट दिखेगा नहीं इमिडिएटली, बट ये धीरे धीरे मेरा प्रॉफिट में चला जाएगा कि मेरा यहाँ पे लगा हुआ है ऑर्डर जनरेट ओपन हुआ है। तो जैसे ये मेरा उसके ऊपर जाएगा आपका प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा मेरा स्टार्टिंग में। सो ये आपका मैनुअल ट्रेडिंग है, आप मैं इसको कभी भी आपको मैनुअल ट्रेडिंग तो करने के लिए बताऊंगा नहीं अगर जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है, बस मैं आपको बोलूंगा कि मेरे ट्रेड को कॉपी करिए जिससे हम आप भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, तो चलो ये वीडियो को मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। अगर कुछ भी आपको सजेशन चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर में बिलो मैंने जो नंबर दिया हुआ आप मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर इसमें ये आपका हो गया, और आपका टेलीग्राम आईडी में आपको बोल देता हूँ, उसमें भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं हमेशा कभी भी आप यहाँ पे आ जाए। मैं अपना टेलीग्राम का डिटेल मैं पूरा दे देता हूँ, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं कभी भी चेक करने के लिए। ये है मेरा टेलीग्राम आईडी, आप इसमें कभी भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, मेरा पूरा डिटेल है, आपको मैं जो भी हेल्प चाहिए होगा मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, कभी भी आप टेंशन मत रहिए, मैं आपको जो भी सपोर्ट चाहिए होगा मैं आपको बता दूंगा। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ, अब चलो अब जो टेलीग्राम ओपन कर ही लिया है तो आपको मैं कुछ दिखा देता हूँ कि जैसे कैसे हम काम करते हैं कभी कभी, कि जैसे कि मेरा ये कुछ ग्रुप्स है जहाँ से हमने कितना प्रॉफिट कमाते हैं ये वीक का वो है थोड़ा सा। उसके बाद मेरा कुछ जैसे मैं और एक दिखा देता हूँ, एक हमारा मेरा ग्रुप है जिसमें हमने प्रॉफिट वगैरह का स्टार्टिंग किया हुआ है, इसमें मेरा कुछ वीआईपी ग्रुप है, यहाँ पे हमने 7-8 मेंबर को अभी ज्वाइन करके यहाँ से हम ट्रेडिंग करते हैं, जहाँ पे हम सिग्नल प्रोवाइड करते रहते हैं कि क्या कैसे होगा क्या मार्केट जाएगा वो डिटेल इसमें डिस्कशन होता है। आपको बेस्ट पॉसिबिलिटी हम आपको दिखेगा कि आपको क्या होगा कैसे होगा, तो आप जुड़िए हमारे साथ और हमारा साथ ट्रेडिंग करके आप प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करिए। हाँ हमेशा ये है कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है, बट हम हमेशा ये ट्राई करते हैं कि हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिले और रिस्क का जो लॉस वाला रिस्क होता है वो बहुत कम हो जाए। ठीक है, तो जो भी डिटेल है आप मुझे पिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा। चलो फॉर दिस ये वीडियो के लिए अभी तक यहाँ पे मैं रुकता हूँ, अगला वीडियो में मैं फिर आपको बताऊंगा कि करना क्या होता है कैसे कॉपी करना है मैनुअली।